बहुत अच्छी। अरे सॉरी सौरभ, सारे जानवर है हम लोग का फार्म हाउस है, जैसे कि देख सकते हो ये पूरा दो दिन के लिए हम लोग यहीं रहने वाले हैं। अच्छा लग रहा है ना लुक दिखने से, नाइस। सामने ये नज़ारे, क्या ही कहना नज़ारों के, मस्त। अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है, सीढ़ियाँ हैं। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग का शुरुआत कुछ इस तरीके से, एक्चुअली पुणे से कचरत हम लोग आए बाय ट्रेन, एक घंटे का सफ़र था, तो मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट यहीं से करेंगे। बाकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, व्यूज भी बहुत बढ़िया है, फार्म हाउस जैसा है, मतलब चार रूम है यहाँ। हम लोग मतलब आराम से 10-12 लोगों की ग्रुप है, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी नए नए लोग मिल रहे हैं। और जिनके जिन्होंने पार्टी करा है उनका एक्चुअली में क्या है कि सत्या नाम है उनका, और 1 मिलियन उनका सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने मतलब इन्विटेशन करा था, तो वही हम लोग आए हैं। बाकी रूम बहुत ही बढ़िया है, तो ये फार्म हाउस का व्यूज़ दिखा देते हैं एक्चुअली दिखता कैसा है। उसके बाद जैसा जो होता आप लोग को दिखाएंगे, तब तक लिस्ट चुन गए। अगर वीडियो में अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए पहले ये फार्म हाउस का थोड़ा व्यू दिखाते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। एक्चुअली क्या कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन था, 6:30 बजे की ट्रेन थी, पुणे से कजरत, करजत इसी तरह कुछ नाम है, मैं नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ का। और कजरत के अंदर से बोले बहुत अंदर में है, लेकिन बढ़िया है, विला जैसा है, फार्म हाउस जैसा है, बढ़िया है, पर्सनल पूल है। तो आप लोग को दिखाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे नए नए लोग भी है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसा जो होता है आप लोगों से शेयर करेंगे, तब तक लिस्ट चुनवा। इस रूम बढ़िया है, रूम से व्यू भी हम लोग का बहुत अच्छा है, तो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। फाइनली हम लोग विला पहुंच चुके हैं, जैसा देख सकते हो विला बहुत ही प्रिटी है, ब्यूटीफुल। काफी गार्डनिंग जैसा है ये, है कैसा लग रहा है रिजॉर्ट? काफी सुंदर। चलो बढ़िया है, चलो अभी इनका रूम देखते हैं, रूम कैसा है। बाहर के नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं। और ये रूम कुछ ऐसा है, बढ़िया है, लाइट्स वगैरह भी ऑफ है, ये रूम्स बढ़िया हैं। और ये वॉशरूम, ये वॉशरूम है, सही है। रूम से व्यू देख सकते हो आप लोग, क्या अच्छे नज़ारे हैं, व्यूज़ के तो क्या ही कहने। और यहाँ से भी व्यूज़ दिखेगा। वैसे हम लोग इनविटेशन पे आए हैं, आप लोग को बता देंगे किस क्या चीज़ का इनविटेशन है। वैसे व्यूज़ में बोलूँ तो कमाल के व्यूज़ हैं हमारे रूम से। वैसे हम लोग शेयरिंग में रहने वाले हैं बाकी। और ये डाइनिंग एरिया है बैठ के खाना वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पे ये झूला है, आराम से झूल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठ गए और म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। ये श्रेयान जी है और ये अंजलि, तो यहाँ हम लोग गाना बजा के थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे लंच हो गया था हम लोग का टाइम करने का, तो हम लोग सब बैठे हुए हैं लंच के लिए, और सारे के सारे ब्लॉगर्स ही है। तो चलिए फटाफट लंच करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा है, तो एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं।
चलो जी अभी सभी अपने लंच के लिए बैठ गए हैं, देख लो। तो लंच करने के कुछ घंटों बाद सब हम लोग पूल में पूल एरिया में आ गए हैं। सिर्फ मोहित नहीं आया क्योंकि उसका एडिटिंग का काम हो रहा है। तो आप लोग ये डांस के शॉर्ट्स एंजॉय करो और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। बहुत अच्छा। पूल से नहाने के बाद अभी बाहर है, अभी कपड़ा सूख रहे हैं, अभी वॉशरूम जाएंगे। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा और बढ़िया लग रहा है नए लोगों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूल से नहाने के बाद हम लोग अभी फ्रेश वगैरह हो गए। फ्रेश तो मैं वैसे हो गई थी, सब लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि चलो पूल में थोड़ा डुबकी वगैरह लगाते हैं, तो डुबकी वगैरह लगा लिए और फ्रेश वगैरह तो हो ही गए, मतलब नहा शावर ले लिया है। और व्यू के बात करूँ तो व्यू बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पीछे सनसेट हो रहा है, इसको मैं अच्छे से और दिखाती हूँ। चलिए नज़दीक से दिखाते हैं आप लोग को। हाय डॉगी डॉगी डॉगी, चिक 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 चिक, देखिए है ना इतना मस्त व्यू सनसेट। और इसी पूल में हम लोगों ने कुछ देर पहले डुबकी लगाई, बहुत अच्छा लगा था। गेम वगैरह खेल रहे थे हम लोग और वहाँ सारे चाय बैठ के पी रहे। तो आज का डे तो बस यही था, अब यहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं, तो जैसा जो होता है आप लोग से साथ शेयर करेंगे। वैसे 1 मिलियन का सेलिब्रेशन 2 लोगों का हो रहा था, एक संदीप भाई बोल के हैं वो और एक सत्या भाई, क्योंकि उन दोनों का ही 1 मिलियन सेम टाइम में कंप्लीट हुआ है। तो वही यहाँ देख सकते हो प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं, अब केक कट का तैयारी होगा। और डेकोरेशन बताइएगा आप लोग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। हम लोगों ने सबको मिल कर डेकोरेशन किया है और बाकी देख ही सकते हो हम लोग इतने सारे 10-12 लोग के टीम में रहे। और ये देख लीजिए सेलिब्रेशन टाइम, बहुत मेमोरेबल टाइम होता है। अगर यूट्यूब में आप एक माइलस्टोन कंप्लीट करते हो तो उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है और हम लोग भी उनके खुशियों का हिस्सा बने हुए हैं। तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया मेमोरेबल मोमेंट होता है। तो देख ही सकते हो सब लोग खुश हैं, सब लोग वीडियो भी बना रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उसमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सारे मूवमेंट्स मैंने अपने कैमरा में कैप्चर किए, तो आप लोग वो शॉर्ट्स देखो और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद फन मूवमेंट्स भी आने वाले, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो आप लोग कुछ फनी मूवमेंट्स भी इन्जॉय करो। और केक कट करने के बाद केक खिलाने का टाइम है, तो हम लोग केक खा रहे हैं। खाने के बाद आप लोग वो मूवमेंट्स इन्जॉय करना जो एक फ़नी मूवमेंट्स अभी आने वाली है। इन्होंने ही स्पेशली पार्टी रखा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो केक खिला रहे हैं। और एक जो ब्लू कलर का शर्ट में, तो उनका भी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। फोड़ो फोड़ो, अरे फोड़ दो भाई, ऐसे टूट रहे सारे जानवर है भाई। तो केक कटिंग सेलिब्रेशन के बाद ये हमारा बारबेक्यू यहाँ पे रेडी हो रहा है, यही हम लोग का आज स्टार्टर है। तो आराम से आप लोग देख सकते हो ये बारबेक्यू हमारा रेडी हो रहा है और बाकी लोग अपने अपने जगह में बैठे हुए हैं, बारबेक्यू का वेट कर रहे हैं। केक कट और केक खाने के बाद वो फनी मूवमेंट आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और नाइट भी आप लोग देख सकते हो हमारे रिजॉर्ट का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ मोहित का एडिटिंग चल रहा है और सब लोग जब मिलते हैं थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल हो ही जाता है। और ये सौरभ जी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमेडी कर रहे थे, अभी देखिएगा कितना अच्छा मिमिक्री करेंगे। तब यार स्टेशन पे सस्ता बेचा है, स्टेशन पे 30 रुपए में तो दे रहे सबसे बेस्ट। मिस कर देगा अभी कुल्फी बादाम नहीं है ना। फ्रेंड्स फाइनली अब टाइम आ गया है अब यहाँ से निकलने का। ये फार्म हाउस हम लोग 2 दिन का स्टे था जिनका सेलिब्रेशन था 1 मिलियन का, जो उनका पार्टी था सेलिब्रेशन का यूट्यूब का, तो वो अब हो चुका है। सब कुछ अच्छे से हम लोग इन्जॉय करें जैसा जो वो मैंने आप लोगों से शेयर कराई। वैसे खाने पीने की बात करो तो खाना पीना मैंने उतना शूट नहीं करा, खाना नॉर्मल सा ही था। यहाँ पे आपको सुविधा थी कि आप अपने हिसाब से मेन्यू सिलेक्ट करके बोल सकते हो उन्हें कुक करने के लिए, ऐसा कुछ था। चावल चपाती से नॉर्मल इंडियन खाना था, तो मैंने सोचा खाने की क्या ही दिखा, यहाँ तो पूरा सब लोग इन्जॉय करने के लिए आए हैं, तो मैंने उतना शूट करा नहीं। बट जो जो स्पेशल मोमेंट्स था तो वो मैंने अपने कैमरा में कैप्चर करा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और ये लास्ट आप देख लो, ये रूम कुछ ऐसा था, अच्छा था ये स्टे हमारा था, बहुत ही इन्जॉयबल, फन इन्जॉयबल था, मेमोरेबल भी था। तो नए नए लोग मिले, अच्छा लगा मुझे। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। अब यहाँ एक्चुअली मैं कजरत में हूँ, कजरत से यहाँ से जाएंगे हम लोग मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। तो मैं डायरेक्ट अब वीडियो को बाहर से कंटिन्यू करूँगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। अब मैं इस वीडियो को बाहर से कंटिन्यू करती हूँ, जैसा जो होगा आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो यही था, हम लोग यहाँ पे लंच करते थे, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट चाय वगैरह खाते थे यहाँ, और इसी पुल पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा, ऐसे आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। बाकी यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था जैसा कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह थी और काफ़ी मेमोरेबल मेमोरीज जुड़ गए यहाँ से। तो फाइनली अब जाने की तैयारी हो रही है और ये रिजॉर्ट कुछ ऐसा दिख रहा था, तो चलिए निकलते हैं बाहर। मैं तो बाहर ही निकल रही हूँ और बाकी लोग तो निकलेंगे, और जैसा देख सकते हो बाहर से एक बार और आप देख लीजिए ये फार्म हाउस रिजॉर्ट, जो भी बोलिए बहुत ही बढ़िया था ये। तो चलिए अब निकलते हैं, और व्यू कमाल का था जो भी बोलूँ। तो फाइनली हम लोगों ने ऑटो ले लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ से पुणे जा रहे हैं और यहीं से सब अपना अपना डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे और सब बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से। तो जो भी बोलो, ये स्टे था अननोन लोगों के साथ था, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कभी नहीं होने दिया उन्होंने कि अलग है या फिर ऐसा कुछ है, फर्स्ट टाइम मिले। काफ़ी मेमोरेबल ये ट्रिप रहा मेरा, भले 2 दिन के लिए था लेकिन बहुत अच्छा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू आर लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गुड बाय and take care guys.